स्टूडियो में पेंटिंग चालू है, मैं लेके जा रही हूँ मम्मी को आईकिया। केक आ चुका है, कोई राहुल आया आपसे मिलने? आज छुट्टी नहीं तो आई एम नॉट द ओनली वन भाई साहब, चिंदीगिरी। आज स्टूडियो में पेंटिंग चालू है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पेंट यहाँ पे मैंने करवाया था ठीक है, सब बढ़िया था, बट ना जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पीछे वॉल्स दिख रही हैं उसमें अगर वाइट कलर होता तो ज़्यादा बढ़िया होता, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू शूट विद वाइट पेंट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा येलोइश रखवाया था ये सोच के कि शायद अच्छा लगेगा, ठीक था, बट वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ी येलोइश लगती थी, तो इसलिए मैंने सोचा हुआ था बहुत टाइम से कि भाई पेंट चेंज करवाना है, तो फाइनली पेंट चेंज करवा रहे हैं, जबकि पेंट बिल्कुल नया पड़ा था, बट आई हैड टू गेट इट डन। सो आज से काम शुरू हो रहा है, लाइक 3 से 4 दिन जाएंगे, एंड आई एम गोइंग फॉर अ प्रॉपर वाइट कलर, प्योर वाइट कलर है। जब नया नया पेंट हो रहा था स्टूडियो में, मुझे वो वाले दिन याद आ गए। सो सबसे पहले रूम से शुरुआत कर रहे हैं, और यहाँ का सारा सामान, ऑलमोस्ट सारा सामान निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है इस तरीके से, और जब रूम हो जाएगा तब हम ये वाला सारा सामान अंदर करेंगे, और फिर यू नो ये वाला रूम होगा, एंड दैट्स व्हाट वी गोना डू विद द किचन आल्सो। सो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ वर्क, बट या वी गोना डू इट। मैं किसी तरीके से उतनी सारी ताम झाम में रेडी हुई हूँ अपना मेकअप ढूंढ ढूंढ के, और मैं लेके जा रही हूँ मम्मी को आईकिया, और आज रात को भी मुझे कहीं जाना है। बहुत बिजी डे है आज, आईकिया लेके जाना है मम्मी को, बिकॉज दैट्स अ प्लेस जहाँ पे जो मम्मी को दिखानी चाहिए। सो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू पिक मम्मी एंड ऑल्सो टेक द कार। या सो आई वॉज सेइंग दैट आईकिया इज अ प्लेस जहाँ पे मम्मी को ले जाना बनता है, बिकॉज आई नो शील रियली इन्जॉय टू शॉप फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो इन्जॉय द फूड। दो सावन चल रहे हैं, सो वी आर नॉट ईटिंग नॉन वेज, बट आई नो आईकिया में जो लंच में जब हम लोग ऑर्डर करते हैं नॉन वेज ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता है, बट टुडे वी गोना ईट वेज एंड एक्सप्लोर वेजिटेरियन फूड देयर एट आईकिया। सो लेट्स सी। सो जी हम लोग निकल गए हैं मम्मी और मैं आईकिया के लिए, होपिंग टू हैव अ गुड टाइम विद हर देयर। जतिन बर्थडे टुडे, एंड उसको विश कर दिया था ऑलरेडी, और अपर्णा के साथ प्लान बना लिया था कि हम लोग उसे सरप्राइज करने के लिए जाएंगे। अपर्णा के बर्थडे पे इस बार जतिन नहीं हो सका था, और जतिन के बर्थडे पे इस बार अपर्णा नहीं हो पा रही, बिकॉज दोनों अपना अलग अलग काम अलग अलग शहरों में कर रहे हैं। सो हम लोग पहुंच गए थे अपर्णा के पास भी ताकि उसको कंपनी हो जाए, और अब हम जा रहे हैं जतिन को भी विश करने, और उसका तो बहुत ही स्पेशल बर्थडे है क्योंकि ही हैज टर्न्ड 40। छेड़ने वाली हूँ मैं उसको वैसे, बट नहीं, मुझे भगवान से डरना चाहिए, मैं भी बस यूं ही कुछ सालों में 40 हो जाऊंगी, बट एनीवे। सो हम लोग वहीं जा रहे हैं, केक आ चुका है थियोब्रोमा से, जो उनका फेवरेट है वो केक मंगवा ली, मतलब आई डोंट नो ये केक फेवरेट है या नहीं है, बट आई नो कि थियोब्रोमा उनका फेवरेट है, सो वहां से अपने हिसाब से केक मंगवा लिया, वो लेके जा रहे हैं हम जतिन को मिलने। नाउ कहाँ जा रहे हैं सरप्राइज करने के लिए? हम लोग जा रहे हैं उसके काम पे जहाँ पे वो शूट कर रहा है, बहुत दूर जगह है, 1.5 घंटा दिखा रहा है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं 9 बजे, 10:30 तक पहुंच जाएंगे वहां पे, उसको सरप्राइज करेंगे, केक देंगे, एंड वी विल ऑब्वियसली नॉट डिस्टर्ब हिम टू मच। हम इसी माइंडसेट से जा रहे हैं कि जाएंगे विश करेंगे और प्यार से दो बातें करेंगे और उसको स्पेशल फील करवा के वापस आ जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो सेट पे होगा, एंड सेट का माहौल लाइक जहाँ पे शूट चल रहा होता है लाइक वी ऑल नो दैट इट्स वेरी समटाइम्स यू नो वेरी दिस थिंग की ओ माई गॉड शॉट लगा हुआ है टाइप्स, तो इसलिए। सो या दैट्स द प्लान फॉर नाउ। कम्मू भी ऑलमोस्ट रेडी है, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, वी आर लिविंग नाउ। कोको कितने दिनों बाद हम लोग ऐसे जा रहे हैं यार, मतलब
कोविड से पहले ये हमारी यूजुअल रूटीन हुआ करती थी, ऐसे रात को कहीं भी निकल पड़े, किसी को सरप्राइज देने चले गए, किसी के बर्थडे पे जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं. अभी काफी लाइफ चेंज हो गई है. ऑलराइट गाइस, सो वी आर ऑन द वे. मी एंड ज्योति नाउ आर गोइंग, आपको बताना कहाँ जा रहे हैं, जतिन को बर्थडे विश करने के लिए जा रहे हैं. थैंकफुली हमारे को ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिल रहा है. वी आर गोइंग एकदम स्मूथ, इंजॉय करते हुए. मौसम कैसा हो रखा है ना, हल्की सी बारिश की बारिश बंद हो जा रही है, और मैं और ज्योति इतनी बातें कर रहे हैं, इतना शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितनी सारी चीजें. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम बाद बैठ के ना कुछ शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. वेरी गुड, आई लव यू. नहीं आज नहीं, सिर्फ लास्ट नाइट आल्सो वी टॉक्ड अ लॉट. अ लॉट, यस. अ नाइट बिफोर आल्सो वी टॉक्ड अ लॉट, रिमेंबर, टिल 3 AM. तो वी आर इन दैट फेज जहां पे वी आर कम्युनिकेटिंग अ लॉट, व्हिच इज सो गुड. हम लोग सामने चल रहा है शूट. वी रियली होप के सही सेट पे जा रहे हैं हम, बट लोकेशन तो यही है. अपन नाम लिखा था साइड में, कमू जा रहा है पता करने के लिए. और अगर सेम शूट हुआ, हम सही सेट पे हुए, तो मैंने बोला कि ये मत बोलना, मैसेज मत देना कि जतिन को बुला दो, कमल आया बाहर, बिकॉज वो फिर एकदम फेस पे सरप्राइज दिखेगा नहीं. मैंने कहा बोलना कि कोई राहुल आया आपसे मिलने, तो फिर हम ना ऐसे देख पाएंगे कि उसका एक्सप्रेशन क्या है हमें देख के. ओके, तो सेट तो करेक्ट है, यहीं पे चल रहा है उसका शूट. अभी जो यहाँ पे प्रोडक्शन वाले हैं, उन लोगों ने ये बोला है कि वो कोशिश करेंगे कि हमें अभी गाड़ी पार्क करवाने के बाद सही जगह पे हमें सीधा उसके रूम में ले जाए. भैया पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जॉसेफ, हैप्पी बर्थडे टू यू. नॉट यट 40, हैप्पी बर्थडे. अरे यार दूर से यार. हाँ देखो आने ही था तुम्हें, कैसे अपर्णा को नहीं छोड़ा अकेले, तो तुम्हें कैसे छोड़ते. कैसा लग रहा है हमें देख के, कैसा लग रहा है लेकिन मस्त लग रहे हो, लेकिन तुम अच्छे लग रहे हो. सो गई थी अपर्णा. पहुंच गए हम, पहुंच गए. हम तीनों तो बहुत क्लियर है. अब देखे? I can't see you guys. बाहर चलना पड़ेगा. Connection? अच्छा अच्छा. एक सेकंड रुको. We're trying to call अपर्णा. अरे ऑफ कोर्स यार, तुम कोई हमारे सौतेले थोड़ा हो. जितनी अपर्णा हमारी अपनी है, उतने ही तुम अपने हो. हमें पता है अपर्णा के साथ क्या करना चाहिए था? क्या? पूछो क्या? क्या? Guess करो. क्या? क्या? कि हम शूट पे पहुंचे अपर्णा. जतिन का तो वो बोल रहे आज शूट ही नहीं था. ओ फिश. भाभी को फिगर आउट करना पड़ेगा ना कैसे कर रहे थे. हम तो कह के अलग हो जाते. यस. अरे कैसे लगेगा? अरे लिखने का मेरे को पता नहीं. ब्लैंक केक मैंने जिंदगी में नहीं देखा. मैं इसलिए मैंने ये ब्लैंक इसलिए है कि अगर हमें जतिन मिलता नहीं तो हमें अगले किसी को देने के काम आ जाता. व्हाट्स देयर इन अ नेम, शेक्सपियर ने कहा था. चलो ये लो. चलो भाभी को कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा. भाभी बस ब्लैंक होकर बैठी हुई है. सी स्टिल देयर, शी कैनॉट सी एनीथिंग एट ऑल. कितनी डरावनी लग रही है वैसे लाइट लेके. आई एम कनेक्टेड, यू आर नॉट. शी स्टिल देयर. अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है
कि भाभी को पता नहीं है कि हम यहाँ आए हैं, क्योंकि वो देख भी नहीं पा रही है और सुन भी नहीं पा रही है। अच्छा, तो आप करें। Let's continue the prank. बात करते करते ये लोगों को मार के लिए डाली जाएगी। रेंडो रेंडो स्पीकर पे हो, स्पीकर पे मैं सेट पे कमल और ये आ रहे हैं। ज्योति और कमल पहुंच गए, स्पीकर पे हो आप। मैं ना एक्चुअली तुम्हें प्रैंक करने वाली थी, बाद में ध्यान थोड़ा लेट समझ याद आया कि बोलूंगी कि हम गए और जतिन का शूट ही नहीं था। वो तो कह रहे हैं आज तो शूट ही नहीं था जतिन का। देखो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर वीडियो देख रहा है। गाइस ये रही जतिन की वैनिटी। तो हियर वी हैव जहाँ पे जतिन तैयार होता है, फुल लाइट्स वाइट्स लगी होती हैं। आई मिस दिस टाइम यार जतिन, जब अपन शूट में मतलब मैं जब शूट करती होती थी तो मतलब आई मिस दिस टाइम अब देख के, बट है ना। और इधर देयर इज अ वॉशरूम, सो दिस इज हाउ द वैनिटी रूम लुक्स लाइक। बट ऐसे होते हैं ना सीरियल्स के सेट्स पे तो वैनिटीज। सो या भाई साहब चिंदीगिरी। और यू नो वी वर प्लानिंग समथिंग लाइक दिस व्हेन वी वर इन गोवा वन डे, रिमेंबर? सो अभी क्या हुआ, जतिन ने बोला ये पहला केक काटा है मैंने, पहली सेलिब्रेशन है। हमने बोला नहीं, पर अभी तुमने इंस्टा पे पोस्ट डाला था, इतना बड़ा डिकोर हो रखा था और ये रहा, ठीक है, और उस पर 40 भी लिखा हुआ था इस तरीके से, तो पहला केक कैसे काटा? बोला थोड़े दिन पहले मैं किसी और के 40th बर्थडे पे गया था, जहाँ पे ये सेटअप हो रखा था वहां पे मैंने ये फोटो खींच ली थी ताकि मैं अपने 40th बर्थडे में डाल सकूं। देखो मैं जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ अच्छी से, मुझे पता था कि मैं यहाँ पे सेट पे रहने वाला हूँ। हाँ। तो मुझे लगा पिक्चर तो क्लिक कर रहे, तो कभी ऐसा मन बनेगा तो डाल दूंगा। और भी शाम को डाली मैंने, दिन में सुबह से। और तुम्हारी वो फोटो देख के हम ये कंफ्यूज हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं सेलिब्रेशन के लिए चला गया। तो आई एम नॉट द ओनली वन हु इज दिस चिंदी, ओके, I've got friends. अब हम लोग निकल रहे हैं because जतिन का शॉट लग गया है, so we gonna leave. ठीक है, सुबह चला गया। अपर्णा ने बताया obviously. नाम तो याद रहता ही नहीं कि मैं यहाँ से। उसने उसने एड्रेस नहीं लिया था तुमसे, उसने हमें वो एड्रेस फॉरवर्ड कर दिया, फिर हमने ढूंढ लिया। को एक्टर से लिया होगा, ये चल रहा है शूट इधर कहीं। चलो बाय जतिन, टेक केयर, बाय बाबू। ओके जी, तो हो गया मिशन सक्सेसफुल। हमको ऐसे लग रहा था वो फोटो देखने के बाद जो जिसका मैंने जिक्र किया कि यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो सरप्राइज करने के चक्कर में हम शॉक हो जाएंगे कि है ही नहीं जतिन, बट वो नहीं हुआ फाइनली। एंड वी जैसे मैंने बोलता हम उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिकॉज यू नो इट्स नॉट गुड। सामने वाले बंदे के लिए बहुत ऐसे हो जाता है कि शिट यार, मतलब वो इधर से उधर से दोनों जगह से फंस जाता है कि अब मेरे गेस्ट आए हैं, रोकना भी है उन्हें, बट मेरा काम भी है एंड इट्स ऑल प्रोफेशनल सेटअप, सो वी डिडंट वांट टू बार्ज इन। हम लोग निकल गए वहां से, बस कुछ 10-12 मिनट बैठे होंगे वहां से निकले हैं। और अब हम को आज हमने बहुत अर्ली डिनर कर लिया था, लाइक 7:30 बजे, और अब क्योंकि टाइम हो रखा है 10:30, तो हम लोग हो चुके हैं बहुत ज्यादा, वो थोड़ी भूख लग गई है, हल्की फुल्की सी। तो हमने कहा कुछ खा के निकलते हैं। हम जा रहे हैं कहाँ पे वो डिसाइड नहीं किया, जगह देखना। ओके, तो अभी डिसाइड करना है, लेट्स सी, वी विल जस्ट गो एंड सिट समवेयर एंड ईट समथिंग एंड देन वी विल लीव फॉर होम।